हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करेगा। वो नियामियों को बाहर तो छोड़ने के लिए आती है, लेकिन नियामियों कहता है कि तुम मुझे कभी बिना बताए यहाँ से छोड़ के मत चली जाना। लेकिन वो कहती है कि मैं तो एक क्रिमिनल हूँ जो यहाँ पर अपनी सजा काटने के लिए आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से ऐसे कहीं नहीं जा सकती। देन नियामियों की भी टेंशन कम हो जाती है ये सोच के कि वो अब एक क्रिमिनल है और एक शमन है जिसे राजा नहीं पा सकते। ये सब बोल के यामियों वहाँ से चला जाता है, लेकिन यामियों के जाने के बाद वोन को वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है। यामियों वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो नोटिस करता है कि कुछ लोग मेडिकल सेंटर की तरफ जा रहे हैं। वोन भी ये देख ही रही होती है कि उसे उसके नाम से कोई पुकारता है और वो राजा होता है। वोन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में ही राजा है या उसे ऐसे ही लग रहा है, लेकिन राजा कहते हैं कि सब कुछ रियल है एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। ये सुनते ही वोन रोने लगती है। देन राजा अपने 8 साल पहले खोए हुए प्यार को हक करते हैं। यही सब दूर से देख रहा होता है यामियों, जो कि उन लोगों का पीछा करते हुए वापस आ गया था। यामियों यही सब देखकर वापस जा रहा होता है, उदास होते हुए कि सामने से उसे किमजे मिलता है, जो कि उसे चुप रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके पीछे से कुछ लोग आ रहे थे जो कि किमजे पे हमला कर देते हैं, लेकिन किमजे उन्हें मारकर वहां से भाग जाता है राजा के पास और यामियों भी उसके पीछे भाग जाता है क्योंकि राजा और उनको बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था। देन किमजे आके उनका साथ फाइट करता है और यामियों भी उसका साथ देता है, लेकिन यामियों को चोट लग जाती है जिसकी वजह से राजा इस फाइट को आगे बढ़ाते हैं। राजा और किमजे उन लोगों को मार के यामियों के पास आए ही थे उसके हाल पूछने के लिए कि वहाँ पे और लोग भी आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। इसलिए राजा किमजे यामियों को वहीं पे बैठ के रहने के लिए कहते हैं और अपने आप उनसे फाइट करते हैं, लेकिन यामियों तो इस मौके का फायदा उठाते हैं, वो को वहाँ से लेके चला जाता है। वो पूछती रहती है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन वो तो उसे बस लेके जा रहा होता है। जब राजा सबको मार देता है तो उन्हें फील होता है कि यामियों और वो वहाँ पर यहीं है। देन वो उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें कहीं नहीं मिलते। एंड उन लोगों को वो के पास मारने के लिए भेजा था मिनिस्टर ने, लेकिन वहाँ पे राजा किमजे और यामियों के होने की वजह से वो तो उन्हें नहीं मिली थी, इसलिए वो अपने सैनिकों को नोकियों को पकड़ने के लिए भेजते हैं जो कि पहले उस जगह से कहीं दूर जा रही थी क्योंकि उन्होंने सावधान रहने के लिए कहा था जब तक वो कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही न दे दे। ये तीनों जा ही रही होती है किसी और चुपके से उनसे अलग हो जाती है। जंगशील से रोकने के लिए जाती है, लेकिन नोकियों कहती है कि तुम्हें पता है ना वो कहाँ पे गई होगी और तुम चलो मेरे साथ। राजा महल में वापस आ जाती है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता कि जब वो भेस बदल के वहाँ पे गए थे तो उनके पीछे हत्यारे कैसे आ सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो को मारने के लिए वहाँ पे आए थे। और दूसरा गुस्सा उन्हें यांगमियों पे आ रहा था जो कि वो को लेके वहाँ से भाग गया था। यांगमियों वो को लेकर उस टेम्पल में आता है जहाँ पर उसकी मोम रहती थी, लेकिन यांगमियों को काफी ज्यादा चोट लगी थी इसलिए वो उन्हें कुछ कहे बिना ही नीचे गिर जाता है। यांगमियों की वो उनसे हेल्प मांगती है यांगमियों को अंदर ले जाने के लिए, तभी वो उनको पहचान लेती है कि वही लड़की है जो 8 साल पहले क्राउन प्रिंसेस बनी थी। यांगमियों के मुंह से दवाई लगाते टाइम वोन से पूछती है कि वो उसी स्कॉलर की लड़की है ना, एंड जब वोन हाँ बोलती है तो यांगमियों को बहुत बुरा लगता है अपने बेटे के लिए कि वो एक ऐसी लड़की से प्यार करता है जो उसकी कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो राजा की वुमन है। यांगमियों की मुंह वोन से कहती है कि यांगमियों ने उनसे एक बार पुनर्जन्म की बात की थी कि अगर ऐसा होता है तो मैं अपना सब कुछ गिव करके भी उसे हासिल करके रहूंगा, और आज तुम्हें देख के मुझे पता चल गया है कि वो तुम्हारी ही बात कर रहा था। उन दोनों की ये सारी बातें किमजे भी छुप के सुन रहा होता है क्योंकि उसे राजा ने भेजा था ये देखने के लिए कि यांगमियों उसे अपने मोम वाले टेम्पल में तो नहीं लेके गया है, लेकिन किमजे राजा को कहता है कि वो वहाँ पे नहीं है। लेकिन किमजे राजा से नजर नहीं मिला पा रहा था तो राजा को पता चल जाता है कि वो उसे झूठ बोल रहा है। राजा किमजे को अपने बाथटब के पास लेके आते हैं, उसे उसकी तलवार मांगते हैं एंड उसकी तलवार लेकर उसी के ऊपर ही तान लेते हैं, लेकिन किमजे तो बिना किसी रिएक्शन किए बस ऐसे ही खड़ा रहता है, जिस पे राजा अपने तलवार हटा के कहते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रहा था लेकिन तुम सरप्राइज होने की एक्टिंग तो कर लिया करो। देन राजा किमजे को उस बात में नहाने के लिए कहते हैं, लेकिन किमजे से मना कर देता है, जिस पे राजा कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि राजा की बात को ना मानना भी एक तरह का विद्रोह होता है और राजा से झूठ बोलना भी। किमजे इस पे समझ जाता है कि राजा ने उसका झूठ पकड़ लिया है एंड राजा कहता है कि हालांकि मैं तुम्हें इससे ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं दे सकता लेकिन मैं तुम्हें और सबसे ऊपर मानता हूँ। किमजे को उससे बड़ा अफसोस होता है और राजा वहां से चला जाता है। यांगमियों की जब आंखें खुलती है तो वो सबसे पहले वो कोई देखने के लिए जाता है कि वो चली तो नहीं गई, लेकिन वो उसकी मोम के साथ बैठ के बातें कर रही होती है। यांगमियों को आते देख उसकी मोम वहाँ से चली जाती है उन्हें टाइम देने के लिए एंड वो उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन यांगमियों कहता है कि मैं उठते ही सोचा कि तुम मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन वो यहाँ से जाने से पहले उसे मिलके जाना चाहती थी इसलिए वो यहाँ पर रुकी थी। वो यांगमियों से पूछती है कि उसे कब पता चला था कि वो नहीं है। इस पे यांगमियों बताता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टोन की वजह से, क्योंकि किसी पत्थर का ये नाम तो मैंने ही तुम्हें बताया था ना। डैनवन पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, फिर ऐसे प्रटेंड क्यों किया जैसे तुम जानते ही नहीं हो। इस पे यांगमियों कहता है क्योंकि मैं जानना नहीं चाहता था और अगर तुम्हें ना पता चलता तो मैं तुम्हें कभी ना बताता। वो उसे काफी ज्यादा समझाती है और उसे अपने लिए एक नई डेस्टिनी चूज करने के लिए कहती है। ये बोल के वहां से जा रही होती है कि यांगमियों उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कि पिछली लाइफ में तो तुम किंग की पर्सन थी लेकिन कम से कम इस लाइफ में तो तुम मेरी हो सकती हो। पर तभी पीछे से राजा की आवाज आती है कि ऐसा नहीं हो सकता।
राजा किम जी को हुन से वहां को ले जाने के लिए कहता है। यामिन वोन को ही देख रहा होता है, हुन चली जाती है। एंड राजा यामिन को कहता है कि तुम्हें पता है ना कि इनकी वुमेन को ऐसे भाग ले जाना भी एक विद्रोह होता है। देन राजा यामिन को तलवार दे देता है एंड उसे मौका देता है खुद को मारने का और इस राज्य के राजा बनने का। देन यामिन राजा के साथ फाइट करता है, जैसे वो बचपन में भी उसे हरा दिया करता था तो वो भी उसे हरा देता है। राजा कहता है कि यार तुम्हें मुझे मार के तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ हासिल कर लोगे, लेकिन यामिन कहता है कि कम से कम मैं उस गद्दी पर तो बैठ ही जाऊंगा। देन राजा कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन यामिन अपने भाई को नहीं मार सकता क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। राजा कहता है कि मैंने तुम्हें ये मौका दिया था लेकिन तुम इसका यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए अब की बात कभी ये मौका मत ढूंढना। देन राजा महल में आ जाता है और उसने वोन के लिए एक सीक्रेट रूम बनाया था अपने रूम के अंदर। एंड जब वोन बाहर आती है अपने पहले वाले कपड़ों में तो राजा बस उसे देखता ही रह जाता है, उसे अपने पास आने के लिए कहता है। वोन थोड़ी आगे आ जाती है जिसपे राजा कहता है कि थोड़ी और आगे आओ। वोन फिर थोड़ी आगे आता है लेकिन ये भी कम नहीं था, इसलिए राजा उसे हक कर लेता है। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो उनको काफी अजीब लग रहा था एंड इन रिश्तों नहीं देखे जा रहा था, जिसपे राजा उसे सबको लेके बाहर जाने के लिए कहता है। एंड राजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वोन को उसके नाम से बार बार पुकार रहे होते हैं। राजा तो बहुत ज्यादा हैप्पी रहने लगे थे और उन्हें अपने काम में अब मन भी नहीं लगता था। राजा वोन से पूछते हैं कि वो क्या करे, लेकिन वोन तो बहुत देर से एक ही बुक पढ़ रही होती है। राजा कहते हैं कि तुम उस बुक को पढ़ के बोर नहीं हुई क्या। एंड वोन देखती है कि राजा वहीं पे आ जाते हैं अपनी सारी बुक्स वगैरह लेके। एंड वोन को कहते हैं कि तुम अभी ये बुक पढ़ रही हो, हम 8 साल बाद मिले हैं, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा कितना वेट किया करता था। लेकिन वोन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो एक शमन लड़की से भी प्यार करने लगे थे। राजा कहते हैं कि वो तो बस थोड़ा सा और वो तो तुम ही थी ना। एंड वोन कहती है कि अच्छा तो ये सब सच था। राजा कहता है कि तुम भी क्या अपने आप से जेलस कर रही हो, लेकिन वोन अपने सामने बुक रख के बैठ जाती है। राजा कहता है कि ये तो फनी है कि तुम खुद से ही जेलस कर रही हो, लेकिन इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि मैंने 2 बार प्यार किया और दोनों बार एक ही लड़की से। एंड देन राजा वोन को किस करता है और राजा बहुत ज्यादा खुश होता है एंड फिर चुपचाप जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। ये बाद में मिस्टर रानी दोवागर को भी बता देता है कि वोन जिंदा है, उसे पता चल जाता है कि ये काम नो क्यों का ही होगा। मिस्टर बताता है कि राजा ने नो क्यों वोन सभी को छुपा कर रखा हुआ है। अब राजा ने सब कुछ पता होते हुए भी इनके खिलाफ कुछ नहीं किया था, इनसे नहीं इतना तो पता चल ही जाता है कि राजा को आखिरी का सच नहीं पता है, यानी कि आखिर उसके साथ ऐसा किया किसने था। एंड मिस्टर कहता है कि अगर राजा को मालूम हो भी गया हो तो अगर हमने किसी तरह उस लड़की और नौकरियों को मार डाला तब भी राजा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर हमारे खिलाफ राजा कोई सबूत ही नहीं मिलेगा। इसके बाद रानी दोवागर राजा से मिलने के लिए जाती है जो कि वो उनके पास बैठा हुआ था सीक्रेट वाले रूम में। एंड उनकी खुशी देख के बाहर इनुज भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी वो देखता है कि रानी दोवागर वहां पे आ जाती है, इसलिए वो राजा को सावधान करने के लिए और उसे टाइम देने के लिए बहुत ही ज्यादा लंबी वाली अनाउंसमेंट करता है कि रानी आ गई है। अब इतनी ज्यादा लंबी अनाउंसमेंट पे तो रानी भी दरवाजा खोलने के लिए ही कह देती है। राजा जल्दी जल्दी अपनी बुक्स उठा के बाहर आता है और जब रानी अंदर जाती है तो कुछ ऐसा नजारा होता है। एंड राजा कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। राजा ने रानी को कहा था कि वो उनकी कोई एक रिक्वेस्ट मानेंगे। इस पे रानी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो वोन और नौकियों को ढूंढ के उनके पास लेकर आए। राजा कहता है कि आप ये मुझे क्यों ढूंढने के लिए कह रही हैं? इस पे रानी कहती है क्योंकि मुझे पता है कि तुमने उन्हें छुपा रखा है। राजा कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है? इस पे रानी कहती है क्योंकि तुम 8 साल पहले हुए केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम इस सबको बंद कर दो और सब पे कवर कर दो। जैसे कि पिछले राजा ने भी ये जानते हुए उस पे कवर कर दिया था तो उसका कोई रीजन ही होगा। राजा पूछता है कि ऐसा क्या चीज है जिसे आप छुपाने की बात कह रही हैं? एंड रानी कहती है कि अगर तुम इस बात को छुपाओगे तो ये उन लोगों के लिए ही अच्छा होगा जिसे तुम काफी ज्यादा प्यार करते हो। इस पे राजा कहते हैं कि अगर आपको मुझ पे यकीन है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं उन दोनों को आपके पास लेके आ जाऊंगा। एंड राजा अपने मन में सोचता है कि लेके तो मैं आ जाऊंगा लेकिन वो जगह होगी कोर्ट जिसमें तुम वो उनकी क्रिमिनल होंगी और नौकियों होगी उसकी विटनेस। एंड ये सब अंदर से वो भी सुन रही होती है जिसे अपने भाई की चिंता हो रही होती है क्योंकि जब राजा को सब कुछ पता चलेगा तो प्रिंसेस के साथ साथ उसके भाई को भी सजा मिलेगी। हियो यूम उस टाइम को याद कर रहा होता है जब उसके पापा ने उसे अपनी चाचा के घर जाने के लिए कहा था और वो अपने पापा को बोल रहा था कि जब मैं अपनी बहन को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं राजा को ही कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। ये सब सोचते हुए वो फिर से उस जगह पे जाता है जहाँ वोन का रूम था एंड फिर उसे दोबारा से किसी के वहाँ पे होने का एहसास होता है। एंड अब की बार तो हियो यूम बोल ही देता है कि अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं अलार्म बजा दूँ, इसलिए वो उसके सामने आ जाती है। अब हियो यूम ने तो उसे छोटी से को देखा था इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता और उसे पूछता है कि वो कौन है। एंड जब सियोल अपना नाम बताती है तो हियो यूम को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उससे पूछते हैं कि तुम्हें बिल्ली की तरह दीवार पे सहने की क्या जरूरत थी। इस पे सियोल बताती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी लेकिन मुझे पहले वाला टाइम याद आ गया और काफी ज्यादा लेट हो रहा था इसलिए मैं ऐसे ही आ गई। हियो यूम उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे रहती हो। इस पे सियोल बताती है कि अब मैं अपने नए मास्टर के यहाँ पे रहती हूँ। इस पे यूम कहता है कि अच्छा मेरे तो याद ही नहीं रहता कि तुम्हारा अब कोई और ओनर होगा, लेकिन सियोल के हर्ट में तो उसके मास्टर अब तक हियो यूम ही थे। तभी वहाँ पे लेडी हियो भी आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि
योयम उन्हें कुछ बता पाता से और वहाँ से गायब हो जाती है। एंड योयम की मॉम उसे बताती है कि प्रिंसेस मीना की मॉम ने उसे बुलाया मिलने के लिए एंड उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। इससे पहले वो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती है। देन योयम अपनी मॉम के पास चला तो जाता है लेकिन वो सियोल के बारे में सोच रहा होता है कि वो अचानक से कहाँ चली गई। राजा रात भर अपनी दादी की बात को याद कर रहा होता है कि ये सब वो उसे बचाने के लिए कर रही है जिसे राजा काफी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन राजा को समझ में नहीं आता कि वो इसे क्या कहना चाहती थी। वो राजा को सोने के लिए कहते हैं क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया था। एंड राजा कहता है कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा कि मेरी वजह से तुम पूरे दिन इस रूम में ही बंद रहती हो। लेकिन वून कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर काफी ज्यादा अंधेरा है जिसपे राजा वून को बाहर घुमाने के लिए लेके आते हैं हिडन मून बिल्डिंग पे। एंड वून से पूछते हैं कि जब वो इससे पहले यहाँ पर आए थे तो वून ने उसे क्यों नहीं बताया सच के बारे में कि उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। वून कहती है कि मैं आपको ये कैसे कह सकती थी क्योंकि आपके पास रानी है। इस पे राजा भी चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ रानी का तो डर की वजह से इतना बुरा ज्यादा हाल था कि उन्हें बहुत ज्यादा बुरे बुरे सपने आ रहे थे। एंड वो अपनी मेड को भी बस यही बोल रहे थे कि हिडन मून बिल्डिंग की ओनर वापस आ चुकी है। ये बातें वो अपने पापा से बताना चाहती थी लेकिन वो नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा उस पर गुस्सा हो जाएंगे। इस पे रानी अपनी मेड को उस लड़की को बुलाने के लिए भेजती है जिसे कि उसने राजा के ऊपर नजर रखने के लिए भेज रखा है। वो उनके कहते हैं कि अगर मैं सबको बताऊं कि मैं वो ही हूँ तो सब यही सोचेंगे कि ये अचानक से कहाँ से आ गई, इसलिए मैं आपको ये कैसे बता सकती थी। राजा कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें कितना ज्यादा सफर करना पड़ा है। लेकिन वो उन कहते हैं कि मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि आपने इतने सालों तक मुझे याद रखा। राजा कहता है कि मैं उन लोगों को तो नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से तुम्हें सफर करना पड़ा है, उन सबको मैं सदा दिलवा के ही रहूंगा। लेकिन वो उन कहती है कि उसे एक बात समझकर आप भूल जाओ और जैसे कि आपको रानी दुआगर ने भी कहा था तो राजा ने ये सब इसलिए छुपाया होगा क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन होगा। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।